हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिवरेजेस का कि लिवरेजेस के जो न्यूमेरिकल हम एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आज इस पीपीटी में। हमने पहली वीडियो में देखा था कि लिवरेजेस तीन टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेजेस, फाइनेंशियल लिवरेजेस और कंबाइंड लिवरेजेस। ऑपरेटिंग क्या है, फाइनेंशियल क्या है और कंबाइंड क्या है, इसको इसकी बहुत डिटेल में चाहिए थोड़ा बहुत इंट्रो, वो मेरी पहली वीडियो में देख सकता है, मैंने इसको पूरा डिफाइन कर रखा है। आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे इसका, तो इसलिए मैंने लिवरेजेस को ऐसे डायग्राम में बता दिया है आपको कि ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ कंबाइन इसके तीन टाइप्स होते हैं, और ऑपरेटिंग का ये फॉर्मूला होता है, फाइनेंशियल का ये फॉर्मूला होता है और कंबाइंड का ये होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है और EBIT होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंशियल में भी ये है बट इसमें इंटरेस्ट माइनस होता है तो EBT बन जाता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन यही है, मैं आके आपको एक बार बता देती हूँ डिटेल में। अभी जो क्वेश्चन है, मैं जो डेटा मिला हुआ है इसमें वो टू कंपनीज का बना हुआ है, जिसमें हम कंपनी एक ही बात कर रहे हैं, बी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इक्विटी कैपिटल है, डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको वो भी 12% से, आउटपुट दे रखा है, सेल्स यूनिट दे रखी है। अगर मैं आउटपुट इनटू सेल्स यूनिट कर दूँ, सेल्स प्राइस कर दूँ, तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल जाता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल यूनिट। ये मेरा क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ लिया। नीचे दे रखा है कि आपको ऑपरेटिंग लिवरेजेस पे निकालना है, फाइनेंशियल पे निकालना है और कंबाइन पे निकालना है, दोनों कंपनी का। बहुत बच्चे एक कंपनी का ही निकाल कर आ जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक का करवाऊँगी, एक आप खुद निकालेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन आ गया या नहीं आ गया। इसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है हमारा, सेल्स। सेल्स क्या है, जो आप सेल आउट करते हो जिससे आपको रेवेन्यू मिलता है, लेस वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो किसी के चेंज होने से चेंज होती है, मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है, चेंज होती रहती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही ले लेती हूँ मैं इसमें एग्जाम्पल में। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी 2 घंटे इस्तेमाल करी है तो मेरा अकॉर्डिंगली उसके बिल आएगा, और अगर मैंने ज़्यादा करिए तो अकॉर्डिंगली उसके आएगा, मतलब जितने आवर्स मैंने काम किया अकॉर्डिंगली इतना आ रहा है। आवर्स चेंज हो रहे हैं तो मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चेंज हो रहा है। बट आपका सेल हो ना हो, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करो ना करो, एम्प्लॉयज़ रखो मत रखो, उन सब से आपका रेंट फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो आपका जो बिज़नेस है वो इनकम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, आपको वो रेंट है फिक्स देना ही देना है, तो वो आपके फिक्स कॉस्ट आ गई। कुछ सैलरीज होती हैं जो फिक्स है, आप का सेल हो ना हो आपको इतनी एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी ही देनी है, और इतने ही पे देने जितने आपने अपॉइंट किया है। अगर आप उनसे ज़्यादा काम करवाते हो तो ओवर टाइम वो चीज़ अलग है, मैं आप नॉर्मल फिक्स सैलरी की बात कर रही हूँ, कितनी आपका काम चले ना चले आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, तो वो चीज़ फिक्स्ड हो गई। डेप्रिसिएशन मशीन में लगना ही लगना है, वो चीज़ फिक्स्ड हो गई। इंश्योरेंस अगर आपने चीज़ ली है तो उसकी जो पेमेंट जाती है वो फिक्स्ड ही है, आपकी हो ना हो। पर आपका जो फ्यूल होता है, अगर आपने गाड़ी नहीं चलाओगे तो आपको फ्यूल नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टायर्स हो गए, टायर ज़्यादा चलाओगे तो ज़्यादा घिस जाएंगे, इतने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं कि इतने चेंज करने से आपकी चेंज जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गई, तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो मैंने उससे लेस कर दी। कॉन्ट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, आप इससे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का रेंट, इंश्योरेंस कि जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, वो चीज़ आ गई आपकी फिक्स कॉस्ट। अब आता है आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब इसमें ये मेरी अर्निंग तो है, बट मैंने इसमें से ना अभी इंटरेस्ट माइनस करा और ना मैंने अभी इसमें से टैक्स माइनस किया है। अगर मैंने इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, पहले इंटरेस्ट होता है या डेप्रिसिएशन होता है, उसके बाद सब कुछ हम लोग निकालते हैं, टैक्स उसके बाद निकलता है, फिर आपकी आती है। तो इसमें भी आपको EBIT दे रखी, इंटरेस्ट माइनस कर दे, क्या बचा EBT, क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस कर चुके उसके हमने टैक्स भी माइनस कर दिया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये मेरी आफ्टर टैक्स आ गई है कि मैंने इसमें भी गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दिया है। तो ये सब अमाउंट ऐसे निकल जाती है। और हम क्वेश्चन के साथ चलते हैं, आउटपुट मुझे दे रखा था 60,000, सेल प्राइस रखा 13, मल्टीप्लाई करूँगी ये आ जाएगा, जैसे एक टॉफ़ी 10 रुपये की है, 10 टॉफ़ी 10 रुपये की तो कितना होगा 100 रुपये,
ऐसे ही मेरे इसको सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। सेल्स रेवेन्यू आ गई, वेरिएबल कॉस्ट में दे रखी थी 10 रुपये, मतलब 60 आउटपुट में से 10 रुपीज आ गई, तो मेरी आ गई 66 लाख। माइनस करा आया कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 7 लाख करा, EBIT आ गया, EBT में IT से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर दिया। EAT मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जितना मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही करती हूँ, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, मुझे आंसर्स निकालने हैं। तो ये ए का देखा, बी का आप स्लो हाइड कर देना, दोबारा निकालना, खुद निकालना ये क्वेश्चन। तो कंपनी ए का इसमें गिवन है कॉन्ट्रीब्यूशन, DOL इज द ऑपरेटिंग, F फाइनेंशियल और C फॉर कम्बाइंड। कम्बाइंड को मैं ये फॉर्मूला लगा के DOL into DFL भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, दिस वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन 12 लाख, 12 लाख दिखा गया, मतलब सिंपल EBIT तुम्हारा जो है वो पुट करना है फॉर्मूले में, अपॉन करा है 2.4 आ गई कि मेरी ऑपरेटिंग कितनी रेशो आ रही है 2.4, ऐसे DLF का ही पुट करोगे EBIT अपॉन EBT, फिर DCL निकाल देना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, सिंपल सा लिवरेज का फॉर्मूला आपका सॉल्व। ये क्वेश्चन में बहुत बार आ जाता है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, पर 5 to 7 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।